वेट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसकी पार्ट 7 है डियर, पार्ट 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं इसी चैनल पे, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं डियर, जो भी अपकमिंग में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम अभी जैसे यानी कि यूपी में होने वाला है, या फिर आपका छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, या पंजाब में होने वाले हैं, या हिमाचल प्रदेश में होंगे डियर, या फिर आपका महाराष्ट्र में होंगे, तो इन सभी स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं डियर, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs फॉर अपकमिंग BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो आप लोग चैनल पे नए हैं डियर, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और एक कमेंट करना और लाइक करना ना भूले डियर। आपकी एक कमेंट, जो भी आप कमेंट करते हैं डियर, ताकि उससे तो दो फायदे होते हैं आपके लिए, कि आपकी जो कंफ्यूजन या क्वेरी होती है वो आपको रिप्लाई किया जाता है जैसे, एंड आप कमेंट करते हैं तो टीचर को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। जो भी चैनल पे आप वीडियो वॉच करते हैं डियर, एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, बट आप इतना मॉर्निंग में नहीं उठते, उस टाइम टीचर्स उठ के अपने वीडियो अपलोड करते हैं, क्वेश्चंस को प्रिपेयर रेडी करते हैं, अपने खुद पढ़ते हैं आप लोग से ज्यादा। ये चीजें सोचनी चाहिए डियर, सभी चैनल के लिए मैं बोलना चाहूंगी, जिस चैनल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ भी वॉच करते हैं, सबके साथ ऐसा होना चाहिए आई थिंक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड एग्जाम में। जैसे यहाँ पे बात करेंगे डियर, द प्रोसेस बाय विच मीडियम इज प्लेस्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस इन फॉर फ्लोइंग स्टीम फॉर 30 मिनट्स ईच वन 3 सक्सेसिव डेज इज, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लगातार 3 दिनों में 30 मिनट के लिए बहते भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर माध्यम रखा जाता है, कौन सा प्रक्रिया होगा डियर? स्टीम अंडर प्रेशर होगा, ऑटोक्लेव होगा, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन होगा, या इंस्पिसेशन होगा। तो यूपी के लिए डियर मैंने सब कुछ डाल रखा है, यूपी की बहुत सारे कंफ्यूजन था ये भी BMU KGMU के लिए, या फिर जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए, कि मैम कौन सा मोड में होगा, कैसा होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। देखिए डियर, मैं बताना चाहूंगी, अभी तक तो इंग्लिश मोड में ही हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुआ है, बट कुछ चांसेस है कि 2024 में हो सकता है, बट नॉट श्योर। लेकिन आपको प्रिपरेशन करते रहना है, इंग्लिश एंड हिंदी में भी करें, लेकिन इंग्लिश को भी ज्यादा आप देख के चले डियर, क्योंकि इंग्लिश में ही आपका एग्जाम लिया जाता है, एवरी ईयर से भी लिया गया है। तो उनके बारे में हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कल ही वीडियो में अपलोड कर दी थी, आप देख लीजिएगा, इसमें आई बटन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा डियर, टेंडरलाइजेशन होगा, जिसमें आपका दिया गया है कि ऑटोक्लेव आर यूज्ड टू स्टरलाइज इक्विपमेंट आपका एंड सप्लाई एट हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम एट 121 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है अराउंड कितना, 15 to 20 मिनट्स के लिए। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का बन रही है, एक क्वेश्चन बन रहा है ऑटोक्लेव को हम क्यों यूज करते हैं, तो स्टरलाइज के लिए यूज करेंगे, और हम इसमें 121 डिग्री पे रखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है डियर की 15 से 20 मिनट तक ही रखते हैं। नेक्स्ट में हमारा टेंडलाइजेशन की बात किया है, जिसमें हम क्या करते हैं डियर, इसमें भी हीट करते हैं, वही मैथड हीट करने की मैथड है, जो 3 सक्सेसिव डेज में होता है, 3 दिन लगते हैं इसमें, और फर्स्ट डे में 85 डिग्री सेल्सियस से 60 मिनट तक है ना, सेकेंड डे में 75 to 80 डिग्री सेल्सियस जो 20 मिनट तक, थर्ड डे जो होगा डियर 75 to 85 डिग्री सेल्सियस होगा फॉर 20 मिनट्स के लिए होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर, इससे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तो आपका है यहाँ पे कि ऑटोक्लेव से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टरलाइज डिस्पोजेबल सिरिंजेस द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड इज, यानी कि डिस्पोजेबल सिरिंज को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नसबंदी की विधि क्या होगी, तो इथिलीन ऑक्साइड ऑटोक्लेवेशन, या फिर इम्प्योर रेडिएशन, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा, या गामा रेडिएशन होगा डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, तो ऑप्शन डी होगा, गामा रेडिएशन। यहाँ पे देखिएगा, इथिलीन ऑक्साइड ये यूज टू स्टरलाइज डिवाइसेस दैट इनकॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक कंटेनर्स,
आपका इंफ्रा रेडिएशन जो है दी अर्थ, सेकेंड नंबर में जो दिया है इंफ्रा रेडिएशन यूज टू स्टरलाइज आर्टिकल सच एज सिरिंजेस एंड कैथोडर्स। देखिए ये सब यहाँ पे रैशनल दे दिया गया, यानी कि नोट में दिया गया कि इंफ्रा रेडिएशन क्या होगा, इथिलीन के बारे में है कि क्या होगा। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में, इसको यूज कहाँ करते हैं, डिस इन्फेक्टिव इन क्लोज एरिया सच एज ऑपरेशन थिएटर एंड लेबोरेटरीज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा डियर। इथिलीन ऑक्साइड ऑटोक्लेवेशन को कहाँ यूज करेंगे हम, इसका स्टरलाइज डिवाइस होता है, इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए, प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक कंटेनर में, ठीक है, प्लास्टिक से जो पैकेज रहता है चीजें या प्लास्टिक के कंटेनर को चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन में क्या है डियर, इसको हम सिरिंजेस एंड कैथेटर में यूज करते हैं आर्टिकल्स के लिए, स्टरलाइज करते हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेज को हम कहाँ यूज करते हैं, ये ऑपरेशन थिएटर या लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो हमारा ये क्या बच गया डियर, स्टरलाइज डिस्पोजेबल सिरिंज पूछा था, जो कि बिल्कुल ही उसको वेस्ट वाली चीज, उसको फेंकना है, इसको हम इस्तेमाल की जाने वाली नसबंदी की विधि में कहाँ करेंगे, तो गामा रेडिएशन करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ डियर। यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी डियर, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एक प्यारा सा कमेंट, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए डियर, ताकि चैनल के बारे में पता चले कि इसमें भी एक नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक इंग्लिश के बच रहा डियर, इंग्लिश के क्वेश्चन भी आपको दी जाएंगी, जो कि मैंने सोचा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ 10 वीडियो या 8 वीडियो मैं अपलोड कर देती हूँ, देन हम इंग्लिश का करूंगी डियर, फिर उसके बाद बायोलॉजी मेरा कंटिन्यू चलेगा, और हो सकता है डियर दिन में 2 वीडियो भी अभी आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय, नुकीले उपकरण को कीटाणु रहित नहीं करना चाहिए, नुकीले जो नुकीले आर्टिकल्स रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा डियर, उसको क्या कीटाणु रहित नहीं करना चाहिए, कैसे, मतलब शुड नॉट बी स्टरलाइज, है ना, कूलिंग बॉइलिंग हॉट एयर ओवन या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस क्या नहीं कर सकते हैं जो नुकीले उपकरण होंगे डियर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बॉइलिंग। बॉइलिंग द शार्प इंस्ट्रूमेंट लोज देयर शार्पनेस थ्रू रिपीटेड बॉइलिंग, शार्पनेस, अदर मेथड आर सुटेबल फॉर शार्प इंस्ट्रूमेंट एज दे कीप द इंस्ट्रूमेंटल फंक्शनल, यानी कि तेज उपकरणों को उबालने से, बार बार उबालने से उनका तेज कम हो जाता है, ठीक है, बार बार उबालने से क्या हो जाता है, उनका तेज कम हो जाता है, जो भी उनका नुकीला रहता है। तेज उपकरणों के लिए अन्य विधियां उपयुक्त है, क्योंकि वे उपकरण को कार्यात्मक रखती हैं, जैसे हमारा कूलिंग हॉट एयर ओवन और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ट्यूब्स एंड कैथेटर्स आर डिसइंफेक्टेड विथ, ट्यूब और कैथेटर कीटाणु रहित हैं, 20% देखिएगा ग्लूटराल्डिहाइड या 1% हाइपोक्लोराइट या फॉर्मालिन या फिर कोर्सोलेक्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग भी सोचें, राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 2% ग्लूटराल्डिहाइड। 2% ग्लूटराल्डिहाइड जो होता है डिसइंफेक्ट करता है ट्यूब्स एंड कैथेटर्स को। 1% हाइपोक्लोराइड में क्या होता है, सरफेस डिसइंफेक्शन, ब्लड से ब्लड आपका स्प्लीजेज, लिक्विड वेस्ट डिसइंफेक्शन, ये सब चीजों को हम उसमें ये करते हैं। नेक्स्ट में फॉर्मालिन में क्या करते हैं, इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेन, प्रिजर्व किया जाता है टिश्यू को, एनाटॉमिकल स्पेसिमेन होता है। आपका कोरोलैक्स में क्या होता है, डिसइनफेक्ट हीट सेंसिटिव आपका इंस्ट्रूमेंट। देखिए डियर आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो हिंदी में भी नीचे दिया गया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट डियर, व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड स्टरलाइजेशन, शीत नसबंदी से आप क्या समझते हैं, कोल्ड स्टरलाइजेशन। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, डिसइनफेक्शन यूजिंग डिसइनफेक्ट। देखिएगा कोल्ड जो कि आपके केमिकल स्टरलाइजेशन जिसे कहते हैं हम लोग, इज द यूज ऑफ लिक्विड केमिकल सॉल्यूशन जिसको डिसइंफेक्ट करते हैं। टू स्टरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, इन अदर वर्ड्स डिसइंफेक्शन डन यूजिंग डिसइंफेक्टेंट इज नॉन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट डियर, आइडेंटिफाई इन करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केयर ऑफ रबर आर्टिकल यूज्ड इन हॉस्पिटल सेटिंग, यानी अस्पताल की सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले रबर लेख की देखभाल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। गलत कि कौन सा, इसमें अस्पताल की सेटिंग में उपयोग किए जाने वाले रबर लेख की देखभाल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें, इन करेक्ट स्टेटमेंट दिया है ना डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, कि रबर आर्टिकल्स आर स्टरलाइज यूजिंग ड्राई हीट मैथड।
बाद बाकी ये 1, 2, 3 ये क्या है, तीनों का तीनों इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी है, सॉरी। यहाँ पे रबर आर्टिकल्स आर स्टरलाइज बाय ऑटोक्लेविंग और इथिलीन ऑक्साइड गैस मेथड। नेक्स्ट में ऑटोक्लेविंग मेथड में टेम्परेचर मस्ट नॉट एक्सीड 134 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री फॉरेनहाइट, इससे ज्यादा में नहीं रख सकते 15 मिनट के लिए। हमने कितना पढ़ा था, 121 डिग्री सेल्सियस और 15 से 20 मिनट के लिए। ऑल रीयूजेबल रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट जो होता है विद एक्सेप्शन ऑफ कुशन मास्क स्टरलाइज यूजिंग ईडीओ इफ सफिशियंट एरियाइजेशन इज प्रोवाइडेड। क्या होता है, सफिशियंट आपका एरिएशन दिया है, प्रोवाइड किया जाता है, ये चीजें हैं डियर। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हुआ कौन सा हुआ, जो कि आपका इसमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन आया इसमें डी। नेक्स्ट डियर यहाँ पे देखेंगे द सॉल्यूशन यूज टू डिस इनफेक्ट द बेड लाइंस ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट इज। देखिएगा डियर, एचआईवी पॉजिटिव से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपका, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से भी क्वेश्चन आते हैं डियर, जो कि मैं आप लोग को इसी चैनल पे प्रोवाइड करूंगी। और लास्ट में डियर जब आपकी एग्जाम रहेगी पीडीएफ फॉर्म में, जिन्हें भी परचेज करना हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ टेस्ट सीरीज जिसे ज्वाइन करना है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा डियर। कोई आपको डॉट नहीं होना चाहिए मन में कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, आप एक ही चैनल से पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, लगातार पढ़ें, सारे एमसीक्यूज को देखें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को देखें, आप टेस्ट दीजिए एवरी संडे डियर, जो कि मेरे चैनल पे अभी टेस्ट हो रही है, एवरी संडे हो रहा है, ये सब चीजों को ज्वाइन करें, ताकि आपका क्या होगा, आप जो भी प्रिपरेशन की है अपने आप में इवैल्यूएशन बढ़ेगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपको भी फीलिंग होगा कि नहीं मैं जो कर सकता हूँ कोई और नहीं कर सकता, मैं ही करूंगा या मैं ही करूंगी, ठीक है ना। आपकी जो ड्रीम होगी डियर, एक ही बार में अपना ड्रीम को लक्ष्य को पूरा करें, एक ही बार में पास करें और गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लें। तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया डियर, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, डिटोल, लाइजोल, सेवलोन, सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्योंकि एचआईवी पॉजिटिव रोगी के बिस्तर की चादर को कीटाणु रहित आपको करना है, एचआईवी पॉजिटिव डियर, ठीक है ना। इससे इस्तेमाल की जाने वाले घोल कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा डियर, सोडियम हाइपोक्लोराइड। एचआईवी का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज टू डिसइंफेक्ट द बेड लाइनिन ऑफ एचआईवी पेशेंट, ठीक है, एचआईवी पेशेंट की बेड बिस्तर को हम साफ करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। लिनिन शुड बी सोक फॉर 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट तक उसको सोखाएंगे। सोडियम हाइपोक्लोराइड इज आल्सो नोन एज पोलर सॉल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, अधिक क्वेश्चन में आ जाता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड इज आल्सो नोन एज या अनदर नेम ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड तो पोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट चलिए द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज, प्रेशर नसबंदी के लिए ऑटोक्लेव में निर्धारित दबाव क्या रहेगा, ऑप्शन सी होगा 15, क्या होगा डियर 15 आईबी, कितना होगा डियर 15, 15 राइट आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट डियर इनोकुलेटिंग लूप इज स्टरलाइज बाय, इनोकुलेटिंग लूप द्वारा निष्फल किया जाता है, किनके द्वारा, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, फ्लेमिंग या रेडिएशन। राइट आंसर ये ऑप्शन सी होगा, फ्लेम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ 1000 गैलन ऑफ वाटर इज, देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं, ऐसा आएंगे आपको, 24 के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा है कि 1000 गैलन पानी के कीटाणु शोधन के लिए ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा कितना होना चाहिए, 2OZ में होना चाहिए या 1 में होना चाहिए या 50 ग्राम या 10 ग्राम, ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर। OZ जो होता है डियर ऑन्स होता है, 1, 2 ऑन्स, 1 ऑन्स, राइट आंसर ये 10 ग्राम होगा। नेक्स्ट ये ऑल दीज आर स्टरलाइज्ड बाय केमिकल एक्सेप्ट,
इन सभी को रसायनों द्वारा निष्फल किया जाता है किसके अलावे? एंडोस्कोप्स, गॉज, सीजर्स, कैबल्स, एक को छोड़कर होगा डी एस्टरलाइज बाय केमिकल के द्वारा। राइट आंसर यार इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, गॉज को छोड़कर बाद बाकी इसमें होगा। नेक्स्ट डियर, रिकमेंडेड डिसइंफेक्टेंट यूज फॉर हैंडलिंग स्पिल्स इज? छलकाव से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अनुशंसित कीटाणु नाशक है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे शक्तिशाली कीटाणु नाशक है? बिटोल, लाइजोल, फिनोल या KMNO4? राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी इसकी राइट आंसर सोचें क्या होगा। KMNO4 जो देख पा रहे डियर, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ऑप्शन सी होगा डियर, फिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स, ताजा ब्लीचिंग पाउडर में शामिल है क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, 33% क्लोरीन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, HIV कॉन्टेमिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी डी कॉन्टेमिनेटेड बाय? HIV दूषित अवशिष्ट उत्पादों को विसंतोषित किया जाता जा सकता है। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और ग्लूटरल्डिहाइड। नेक्स्ट डियर, टेम्परेचर रेंज यूज इन ऑटोक्लेविंग इज? ऑटोक्लेविंग में उपयोग की जाने वाली तापमान सीमा कितना है? ऑप्शन सी होगा, 250 से 254 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट में पूछा डियर, ठीक है ना, तो 250 से 254 लास्ट होगा रेंजेस। नेक्स्ट डियर, प्रेशर रेंजेस यूज इन ऑटोक्लेविंग इज कितना होगा? तो ऑप्शन बी होगा, 15 से 17 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर डिसइंफेक्टिंग एनएमएलवेयर आइटम इज? यानी कि आपका एनएमएलवेयर आइटम को कीटाणु रहित करने के लिए पसंद का समाधान है, तो 0.5% क्लोरीन या 2.5% ग्लूटराल्डिहाइड या फिर 50-70% अल्कोहल या सेवलोन। राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, 0.5% क्लोरीन। पूरा एंड तक बने रहिएगा डियर, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है डियर आपके लिए। अजेन यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए प्रयुक्त एजेंट कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा, आपका क्या होगा, बैक्टीरियोस्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मॉन्टॉक टेस्ट इज टू डिटरमाइन? देखिए डियर, इस बार आप लोग एग्जाम में टीबी से रिलेटेड यानी कि ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपका कम्युनिकेबल डिजीज में मैंने अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे भी देखिए, मॉन्टॉक टेस्ट इज टू डिटरमाइन मॉन्टॉक परीक्षण निर्धारित करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस, मेजल्स, डिप्थेरिया, एड्स। राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन सी आएगा, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू टेस्ट? मूत्र पित्त की जांच परीक्षण द्वारा की जा सकती है, किस टेस्ट के द्वारा दिया? तो ऑप्शन सी होगा, हाई टेस्ट के द्वारा, ठीक है। हाई टेस्ट यूज टू डिटेक्ट यूरिन बाइल प्रेशर, आपका पेशेंस। सेकेंड में है बैंडेड एंड फेलिंग टेस्ट जो यूज टू डिटेक्ट यूरिन शुगर। थर्ड में कोल्ड एंड हॉट टेस्ट जो दिया है आपका डियर, यूज टू डिटेक्ट यूरिन एल्बुमिन, क्या करते हैं, एल्बुमिन, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन या स्पूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर इज? कल्चर के लिए नर्स के लिए थूक का नमूना प्राप्त करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा डियर, अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर द पेशेंट ईट्स अ लाइट ब्रेकफास्ट, या फिर आफ्टर एरेशियल थेरेपी, या फिर आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी राइट आंसर डियर ऑप्शन सी होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। देखिएगा, फ्रेश अर्ली सैंपल इज प्रिफर्ड बिकॉज सिक्रेशन अक्यूमुलेट ओवरनाइट, सिक्रेशन मस्ट बी ऑफ आपका स्पूटम फॉर एक्यूरेट फाइंडिंग, यानी कि ताजा सुबह का नमूना पसंद किया जाता है, क्योंकि देखिएगा स्राव रात भर में क्या होता है, गर्दन में जमा हो जाता है, और सटीक निष्कर्षों के लिए स्राव थूक का होना चाहिए अच्छे तरीके से, सही है, बलगम स्पूटम। आफ्टर ब्रेकफास्ट स्पूटम विल बी मिक्स्ड विद फूड एंड फाइंडिंग विल बी अल्टर्ड, है ना, उसमें क्या हो जाता है, खाना भी मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत। सैंपल आफ्टर आपका एरियोशियल थेरेपी विल बी अल्टर फाइंडिंग, एंड चेस्ट थेरेपी में हेल्प इन एक्सेशन ऑफ सिक्रेशन, बट द सैंपल शुड बी फ्रेश इन द मॉर्निंग। ये आप हिंदी में पूरा देख सकते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, विच टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल?
मल में गुप्त रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो देखिएगा, फॉर्जिन टेस्ट या बेंजीडेन टेस्ट या ऑर्थोलिडिन टेस्ट या आपका गोआइक टेस्ट। राइट आंसर डियर ऑप्शन डी होगा, गोआइक टेस्ट। द स्टूल गोआइक टेस्ट स्क्रीन फॉर हाइडन यानी ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल सैंपल, ठीक है ना। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जिसको FOBT फुल फॉर्म है। द टेस्ट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ फीकल सैंपल ऑन गोआइक पेपर एंड अप्लाइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड व्हिच इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड एल्ड द ब्लू रिएक्शंस प्रोडक्ट विद इन सेकेंड्स में। इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर, गोआइक टेस्ट हुआ। क्या हुआ? मूल देखिएगा, मल के नमूने में छिपे रक्त के लिए स्टूल गोआइक टेस्ट स्क्रीन या आपका फेफल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जो कि आपका FOBT का सबसे आम प्रकार है। परीक्षण में गोआइक पेपर का एक फेकल नमूना रखना और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लागू करना शामिल है जो रक्त की उपस्थिति में सेकेंड के भीतर एक नीली प्रतिक्रिया उत्पादन करता है, ठीक है, एक सेकेंड के भीतर, विद इन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच इज द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन 24 आवर यूरिन कलेक्शन। प्रिजर्व करना, प्रिजर्वेटिव। 24 घंटे मूल संग्रह में किस परिचारक का उपयोग किया जाता है? टोइलिन, बोरिक एसिड या 50% एसिटिक एसिड या ऑल ऑफ दी एबव। राइट आंसर इसमें सभी के सभी होंगे डियर। देखिए, ऑल ऑफ दी एबव मेंशन प्रिजर्वेटिव एंड कंसंट्रेटर HCl एंड क्लोरोफॉर्म आर आल्सो यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव एजेंट इन 24 आवर यूरिन कलेक्शन। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हुआ डियर, राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन डी हुआ, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर द मेथड यूज्ड टू असेस यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेप्ट। ग्रेविटी की बात किया डियर, मूत्र विशिष्ट गुरुत्व का आकलन करने के लिए निम्नलिखित सभी विधियों का उपयोग किया जाता है लेकिन एक को छोड़कर, यूरिनोमीटर या आपका रिफ्रैक्टोमीटर या फिर रिगेंट स्ट्रिप्स या फिर आपका बायोरेट मेथड। चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन डी होगा, बायोरेट मेथड, क्योंकि एक्सेप्ट ने पूछा है। बायोरेट मेथड यूज टू डिटरमाइन प्रोटीन इन यूरिन। हमारा यूरिन में जब प्रोटीन की मात्रा रहेगा तभी हम क्या करते हैं, बायोरेट मेथड को यूज करते हैं। ऑल अदर मेथड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात क्या रही है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज यूरिनोमीटर विच इज सिंपल एंड इजी टू कैरी आउट इन द बेड साइड ऑफ पेशेंट। यानी कि देखिएगा, इसमें दिया कि मूत्र में प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए बायोरेटिक मेथड का उपयोग किया जाता है विधि का, लेकिन मूत्र विशिष्ट आपका गुरुत्व यानी ग्रेविटी के मापन के लिए अन्य सभी विधियों का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि यूरिनोमीटर है। कौन है? यूरिनोमीटर, जो रोगियों के बिस्तर की तरफ सरल और आसान से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन, उन्नत विशिष्ट गुरुत्व में देखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डिहाइड्रेशन। यहाँ पे अडल्ट जनरली हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंजेज ऑफ, देखिएगा, 1.010 टू 1.030। एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन ऑब्जर्व जो किया जाएगा इन डिहाइड्रेशन एंड SIADH यानी कि सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायुरेटिक हार्मोन। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीन इन डायबिटीज इंसिपिडस, देखिएगा डियर, हाइपरवोलेमिया में और पोलियोरिया में। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगा तो इसमें एलिवेटेड का मतलब बढ़ रहा है, लो का मतलब कम हो रहा है। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ। यदि लो में पूछेगा तो डायबिटीज इंसिपिडस आएगा, हाइपरवोलेमिया आएगा और पोलियोरिया आएगा। इसमें राइट आंसर क्या हुआ डियर, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉजेज ऑफ मिल्की व्हाइट कलर यूरिन एक्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये वाले, मिल्की व्हाइट कलर यूरिन एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से सभी दूध या सफेद रंग के मूत्र का कारण हो सकते हैं किसी एक के अलावे छोड़कर, किसी एक के अलावे, है ना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी एसिड क्रिस्टल्स फ्रॉम ईटिंग प्यूरी रिच फूड्स या एस्ट्रोनस एक्सरसाइज या आपका फॉस्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम एक्सेस पैराथायरॉइड हार्मोन। राइट आंसर ये ऑप्शन सी होगा, यानी कि एस्ट्रोनस एक्सरसाइज, इसको छोड़कर बाद बाकी तीनों का तीनों होगा। देखिएगा, एस्ट्रोनस एक्सरसाइज कैन समटाइम्स रिजल्ट इन ब्लड गेटिंग इनटू यूरिन, हेंस टर्न्स द यूरिन कलर इनटू रेड। कॉजेज ऑफ मिल्की व्हाइट कलर यूरिन इंक्लूड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स फ्रॉम ईटिंग प्यूरिन रिच फूड सच एज आपका एनोकोसिस हियरिंग एंड रेड मीट जिसमें लैम्ब बीफ एंड पोर्क आएगा, एंड फॉस्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम एक्सेस पैराथायरॉइड हार्मोन। यानी कि इसमें देखा गया डियर कि जोरदार व्यायाम से कभी कभी पेशाब में खून आ सकता है,
है ना, इसलिए पेशाब का रंग लाल हो जाता है। और दुधिया सफेद रंग के मूत्र के कारण में प्यूरिन युक्त खाद्य पदार्थ, जैसे कि आपका यहाँ पे लिख दिया है डियर कि एकोवी, हेरिंग और लाल मांस, जिसमें भेड़ का बच्चा, बीफ और सुअर की मांस खाने से यूरिक एसिड क्रिस्टल और अतिरिक्त पैराथायरॉइड हार्मोन से फॉस्फेट क्रिस्टल शामिल है, इसलिए इसमें एक्सेप्ट में पूछा था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ, यानी कैस्टेनेसिस एक्सरसाइज, जिसमें जोरदार व्यायाम अधिक किया जाएगा तो हमारे टॉयलेट में क्या होगा, कभी कभी खून आ सकते हैं प्रेशर पड़ने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, लिपिड प्रोफाइल डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन सी होगा, SGOT। यहाँ पे पूछा था डियर कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होगा ना, उस किसमें इंक्लूड नहीं होगा, किसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन SGOT। ठीक है, SGOT एक टेस्ट होता है डियर, इसमें आपका वो टेस्ट में क्या होता है ना, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालिसेटिक एसिटिक ट्रांसमिनेस होता है टेस्ट का नाम। SGO2 इसमें क्या होगा, लिपिड प्रोफाइल में आपका इंक्लूड नहीं होगा, बाद में HDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल और VLDL ये सब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन बेने आपका बेनेडिक्ट टेस्ट यू व्हिच ऑफ द एंड कलर इंडिकेट्स अब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, यानी कि आपका बेनेडिक्ट के परीक्षण में कौन सा अंतिम रंग मूत्र में शर्करा की अनुपस्थिति को इंगित करता है, कौन सा रंग, ऑप्शन डी होगा ब्लू। नेक्स्ट है डियर, क्ले कलर स्टूल इज सजेस्टिव ऑफ, ऑप्शन डी होगा इसमें, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्ले कलर स्टूल पूछा है, मिट्टी के रंग का मल निम्न का सूचक है, तो क्या क्या है डियर, यदि मिट्टी का रंग आपका स्टूल हो रहा है, बच्चा का भी है बड़ा का भी, तो क्या सीखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का ये होता है डियर। नेक्स्ट है डियर, द रिगेंट यूज फॉर टेस्टिंग यूरिन शुगर इज, तो बेंडिंग रिगेंट होगा या सेलिस रिगेंट्स होगा या रोथरस रिगेंट होगा या नॉन ऑफ दी एज होगा, नॉन ऑफ दीज होगा, यूरिन शुगर की बात क्या है डियर, राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बेनेडिक्ट्स आपका रिगेंट्स। नेक्स्ट डियर, स्टूल स्पेसिमेन फॉर गुआइक फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्टिंग इज डन टू अ स्क्रीन फॉर, गुआइक फीकल गुप्त रक्त परीक्षण के लिए मल नमूना जांच के लिए किया जाता है, तो वहां पे कलर आपका देखिएगा, कलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के लिए, फिशुला के लिए, कैंसर प्रोस्टेट, या राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन ये होगा, कोलोरेक्टल कैंसर। नेक्स्ट ईयर, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c जो है आपका, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c इज प्राइमरीली मेजर टू आइडेंटिफाई मीन प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कि ग्लाइकोकार्ड हीमोग्लोबिन HbA1c को मुख्य रूप से औसत प्लाज्मा ग्लूकोज सांद्रता की पहचान करने के लिए मापा जाता है, जिनका डायबिटीज, जिनको शुगर कहते हैं डियर, जिनका बढ़ा हुआ हो, यदि उनको एहसास हो रहा है कि मेरा बार बार मेजरमेंट कराने के बाद, जांच कराने के बाद बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसमें HbA1c कराते हैं, इसमें देखिए कितना दिन के लिए रिपोर्ट आता है डियर, तो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 90 डेज, 3 महीना का रिपोर्ट इसमें बताता है कि 3 महीना तक आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कितना था, शुगर की मात्रा कितनी थी, तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन याद रखिएगा, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त आधान बैग में मौजूद घोल का एक घटक है, सोडियम सिट्रेट, हेपारिन, इडीटीए या वारफेरिन, राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन इसमें ए आएगा, यानी कि सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द कैन टेस्ट फॉर सिफिलिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कहां टेस्ट है ना, सिफिलिस के लिए कहां टेस्ट का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन ए होगा, ट्यूब देखिएगा, फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, यानी कि कहां टेस्ट फॉर सिफिलिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्यूब फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट वाज एम्प्लॉयड एज द रूटीन सेरोलॉजिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। नेक्स्ट ईयर, एन इंडिविजुअल हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिडेंट ऑफ गॉड इज एन, ये लास्ट क्वेश्चन है ईयर जो आपके लिए है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हुआ क्या होगा, एगोस्टिक या एनेजिक या जेनिक या एथिस्ट या फिर आपका एनारिस्ट, ठीक है, एनार्चिस्ट, 4 ऑप्शन है, एग्नोस्टिक, एजेनिक, एथिस्ट एंड आपका एनार्चिस्ट, 4 है, जिसमें आपको राइट आंसर करना, पुट, जो एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है वो क्या होता है, कौन सा है,
आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होंगे डियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें इसके आंसर के साथ। थैंक यू।